उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लीकेज गैस सिलेंडर को ठीक करते समय माचिस जलाने से लगी आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रोमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दही गवा गाँव का है, जहाँ सुरेश कुमार रावत लाही गैस एजेंसी बाराबंकी से गैस सिलेंडर लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर में रेगुलेटर लगाया उसी समय गैस लीकेज होने लगी और गैस लीकेज होने के कारण घर में गैस पूरे घर में भर गए, जिसको चेक करने के लिए किसी ने माचिस जला दी, जिससे भयानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। उनको मालूम नहीं। अच्छा, तो आप लोग एक साथ पांच पांच लोग कैसे जल गए? ये बताओ, कुछ गांव से सुनने में आया कि आप लोग जो हादसा हुआ बाहर शराब वराब बना रहे थे? शराब से ऐसा होता क्या? अरे, हमें जो जानकारी मिली है हम ये पूछ रहे। अच्छा, तो खाना बनाने में महिलाएं खाना बनाती कि पुरुष बनाते हैं? देखिए, जब आग लग गई तो लोग भागे, औरतें भागे, जो पड़ोसी लोग हैं घर के सदस्य हैं, गांव के चाचा। गैस फटने से आग लग गई। कहां पर घटना हुई? दहगावा में। किसके यहाँ? सुरेश के यहाँ। कौन कौन घायल हुआ? पांच लोग घायल हुए। कौन कौन? सुरेश, राजकरण, कमलेश, और दो के नाम नहीं याद है। यहाँ अस्पताल कहाँ से लाए थे? 2 लोग बोलेरो से, 3 लोग एम्बुलेंस से। पुलिस को सूचना दी गई? हाँ। मौके पर पहुंची? हाँ। कौन है ये जो घायल हुए हैं आपके, कौन है? एक लड़का है, बाकी हमारे भाई के लड़के हैं, बाकी परिवार के हैं। आज 8:30 बजे फायर सर्विस में सूचना मिली कि शिवगढ़ थाना अंतर्गत दहीगवा गांव में सुरेश पासी के घर में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां के लिए भेजी गई। पहुंचने के बाद पता चला कि सुरेश पासी के घर में गैस सिलेंडर में लीकेज हो रहा था, जिसे कि ठीक करने के लिए रेगुलेटर सही करने के लिए 5-6 लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सही करने के दौरान ही एक व्यक्ति द्वारा जो है लाइटर जलाया गया टेस्ट करने के लिए। अचानक आग लगी, जिसमें कि 5 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा अस्पताल भिजवा दिया गया। फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।